So we are back with another episode of now हम अब bike चलाएंगे आओ बैठो पीछे सारे दोस्तों कोई बैठने को तैयार नहीं है भाई तो दोस्तों जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे पास मेरे दोस्त आने वाले हैं उनका नाम है अली शेख मोस्ट फेवरेट गाड़ी है मस्टैंग और शायद लोग मान जाएंगे इस बात को थोड़े दिनों में जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं अब आप लोगों को अपना 350Z का कि मैंने अभी क्या क्या किया है जो थ्रू मैक्स पावर होके आया है वो मैं आप लोगों से रिवील करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो व्लॉग है वो अगेन 350Z के बारे में है और हम इस 350Z में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं और कौन सा थोड़ा सा सामान जो अभी मैंने रिसेंटली मेरा अभी दो दिन पहले आया है वो आप लोगों से रिवील करूंगा कि क्या क्या आया है और इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम कौन सी एक नई चीज़ 350Z में ऐड करने जा रहे हैं उसको हम इस व्लॉग में लेंगे और सामान के बारे में आपको बताऊँगा जो अभी लग के आया है मैक्स पावर से और एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ और चलते हैं अपने व्लॉग में आगे की तरफ और कंटिन्यू करते हैं हमारे गैरेज से जो छोटा सा गैरेज हमने अभी बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को और मज़ीद जो हमारा मीटअप पॉइंट है वो भी उस गैरेज के अंदर ही है तो इंशाल्लाह वहीं चलते हैं और वहाँ चल के आगे गाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और अभी मैं पहली चीज़ जो 350Z के लिए जो सबसे ईजी है मेरे ख्याल से जो मैं आज लगाने जा रहा हूँ वो है स्पार्को का स्टीयरिंग और क्विक रिलीज एनआरजी का तो इसमें स्लाइटली चेंजेस आ गई हैं बिकॉज पहले मेरा कैमोफ्लाज एनआरजी का स्टीयरिंग आ रहा था और मेरी जो है वो अपना जो हार्नेस थी वो भी कैमोफ्लाज थी लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये सारी चीज़ें डिले हो गई और चीज़ें कुछ आगे पीछे हो गई जिसकी वजह से स्टॉक अवेलेबल नहीं था और मज़ीद बहुत वेट करना था तो लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो स्पार्को के व्हील की तरफ चला जाता हूँ तो फाइनली आई गॉट माई व्हील ओ हियर इट इज़ माई Sparko wheel. Wow. Look at the wheel. Yep. The beautiful wheel from Sparko. इसका स्वेड अगर आप देखें इतना सॉफ्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं बहुत ही खूबसूरत है और इसका एक छोटा सा कैप है लेट मी शो यू विच इज़ इन साइड द गैस ये रहा इसका हॉर्न कैप अगर आप देखें क्लोज करके ये और ये इसका इधर बीच में लग जाएगा तो ये इट लुक्स लाइक दिस तो मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत लगेगा जो दूसरी चीज़ है वो है एनआरजी का क्विक रिलीज जो कि मैंने लिया है कार्बन फाइबर फ्रॉम एनआरजी बहुत ही खूबसूरत है लेट मी शो यू गाइस दिस वन फ्रॉम एनआरजी और आप ये देखें इट्स कार्बन फाइबर सो होपफुली आज ही इसको हम लगा सकें क्योंकि क्विक रिलीज मैंने आज से पहले नहीं लगाया लेकिन आज हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स तो चलते हैं हमारे गैरेज की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम क्विक रिलीज और ये स्टीयरिंग लगाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखते हैं कैसा लगता है सो गाइस फ्रेश होके मैं जो है वापस अपने गैरेज इन हाउस गैरेज के अंदर आ चुका हूँ और आज चूँकि हमारा व्लॉग है ड्रिफ्ट बिल्ड टू 350Z के बारे में तो आज हम बहुत छोटे से काम से स्टार्ट करें जैसे मैंने बताया अभी मैंने जो अनबॉक्स किया क्विक रिलीज और स्पार्को का स्टीयरिंग व्हील तो आज हम बेसिकली ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग अपनी कर दी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्विक रिलीज कैसे लगता है और स्टीयरिंग व्हील उसके साथ कैसे अटैच किया जाता है और कैसे उसको हम डिटैच करते हैं और अटैच करते हैं बेसिकली तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही सिंपल व्लॉग है और हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल छोटे से काम से स्टार्ट करें ताकि हम स्टेप बाय स्टेप छोटे से ऊपर बड़े काम तक जाएं और हर चीज़ इन डिटेल करें ताकि हर एक चीज़ पे हम एक व्लॉग बना सकें ताकि आप लोग भी सीख सकें और मैं भी सीख सकूं कि कैसे चीज़ों को
किस तरह से किया जाता है, बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है उसका। जैसे कि आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखा मुझे कि मैंने गाड़ी पूरी की पूरी जो है उसमें से सामान जितना जी के अंदर था इंटीरियर वो रिमूव कर दिया, यहाँ तक कि इसमें मेथनॉल किट मैंने रिमूव कर दी और मैंने इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर जितने ट्रिम्स थे अंदर वो रिमूव कर दी। और आगे चल के मैं एक व्लॉग में बल्कि इसकी जो मेटल बॉडी है अंदर जो स्पीकर्स की बॉडी है और जो पीछे एक इसमें फ्रेम लगा हुआ है वो सब कुछ रिमूव कर दूंगा और उसके बारे में भी कि क्या मैं एक्सपीरियंस से गुजरूंगा वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और अभी मैं शुरू करता हूँ कि किस तरह से क्विक रिलीज इसमें लगेगा और किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं आगे। और स्टेयरिंग जैसे कि आप लोगों ने देखा है स्पार्को का, इसका जो स्वैड है वो बड़ा सॉफ्ट है और मतलब अगर पर्सनली अगर आप उस इस स्टेयरिंग को फील करें तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। तो अब हम इसको लगाते हैं और चलते हैं गाड़ी की तरफ। सीट में ड्राइविंग सीट लगाने लगा हूँ बिकॉज ड्राइविंग सीट लगाने के बाद मुझे एटलीस्ट स्पेस मिलेगी बैठने की। यू नो जो अभी एग्जिस्टिंग इस वक्त प्रेजेंट स्टेयरिंग व्हील है ये मोमो कंपनी का है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बिकॉज इसकी स्टिचिंग वगैरह सब उखड़ चुकी है। और अभी मैं अपना क्विक रिलीज पहले हब लगाऊंगा यहाँ पे क्विक रिलीज सिस्टम और उसके बाद मैं अपना स्पार्को का व्हील लगाऊंगा और पहले सीट लगाता हूँ, आप देखेंगे किस तरह लगती है। सीट को फिक्स करते हैं ताकि हम अपना अगला काम शुरू कर सकें और फ्रेडी भाई जंप मारे आप। बैठ के आगे करना पड़ेगा, थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल जाम है ये सीट, काम ही नहीं करती। तो हमारी सीट फाइनली लग गई है और अब हम इसके बाद करेंगे स्टीयरिंग का काम स्टार्ट। हियर गो, बाकी पूरी गाड़ी खाली है बट सीट हमने इंस्टॉल कर दी है। ये डिफरेंट डिफरेंट कीज मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जो इसमें एल की से खुलेगा, सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी तकरीबन जैम है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ खोलने की और होपफुली मैंने रैचेट से इसको खोलना शुरू किया है, कुछ मैंने अनलॉक कर ली है और अभी मैं बाकी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तकरीबन टूल्स सारे तो खैर नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग जो मुझे ज़रूरत पड़ती है। बहुत नाजेब बातें हो रही हैं। असल में मेरा दोस्त आया अभी दुबई से, आज सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने जो सामान बोला था वो सारा लेकर आया है और इनका नाम है मोहम्मद गजनफर। इनका शॉर्ट नेम मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ MG, ज़रा जल्दी में ये पैदा हुए थे असल में। सो फाइनली पहला नट हमने निकाल लिया है जो फंसा हुआ था। मुबारकन मुबारकन, मिठाई मैंने रखी है, खिला दो जल्दी सर। आज सब मिठाई खा ले, अभी मैंने नट खोल लिया। वाह ये देखें हम इसको सीधा होगा तो चाहिए आपको। इसके नट खुलने मुश्किल हैं, देख रहे हो? नथिंग इज इम्पॉसिबल बट टाइम देना है। ये हमने इसका और एक और अल्टरनेट निकाला जिससे हाथ हमारा जो है वो कम थक रहा है। ये हमें एक उस्ताद ने बताई है टिप, ये इस तरह से आप इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक अपने इजी काम के लिए।
टाइम बचाएं और पुराना स्टेयरिंग निकालना ही मतलब इतना टाइम टेकिंग है, बट फाइनली वी आर वेरी क्लोज इनफ। एम जी आप एक फेवर देंगे मुझे, ये जाके आप मेरे टूल्स के पास रख देंगे? फिलहाल तो आप यही रख दें, पूरा व्लॉग जो है हम नट खोलने पे बना सकते हैं। So we are back with another episode of now हम अब bike चलाएंगे, आओ बैठो पीछे सारे दोस्तों कोई बैठने को तैयार नहीं है भाई। चलो खैर अब बीच का नट हम निकालेंगे, ये रबर पहले हमने निकाल दिया, ये इसका पुराना वाला हब है और ये इसकी गोटी जो है ये बड़ा है छोटा है, ये मेरा ख्याल है इसमें लगेगा, ये 18 का है। एक और इसको चेक करते हैं, अब स्टीयरिंग लॉक हुए, ओह फाइनली फाइनली स्टीयरिंग असेंबली का नट भी हमने अनलॉक कर लिया है। ये वायरिंग मुझे नहीं मालूम अभी, मुझे ये वाली तो हॉर्न की लग रही है, ये शायद इसकी इन्होंने काटी हुई है, शायद ये उसकी है एयरबैग्स की मुझे लगता है। वापस से स्टीयरिंग लगाना पड़ेगा, एक दो नट इसके लगाने पड़ेंगे ताकि हम इसको खींच सके। नट 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 खींच, इसको झटके से बाहर निकालने के लिए आपको दो नट कम से कम लगाने पड़ेंगे ताकि हम इसको निकाल सके पूरी स्टीयरिंग असेंबली को। अब हम इसको झटके से बाहर निकालेंगे, दो नट और लगाने पड़ रहे हैं ताकि और थोड़ी सी इसको स्ट्रेंथ मिल जाए। तो मीनवाइल गजन फिर कैसा रहा ट्रिप होगा दुबई का और क्या के साथ ही थे, जहाँ भी थे। अच्छा अच्छा, कम्युनिकेशन है ना सुबह रात दिन शाम, जाहिर है जाहिर है जाहिर है भाई, आपकी मोहब्बत है। और वैसे आप करने क्या गए थे? कैमरे पे बंद करना पड़ेगा फिर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आप समझ गए ये कुछ नहीं करने गए थे, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेने गए थे गाड़ी की जी भाइयों के लिए। So finally we are done with this. मैं ये स्टीयरिंग असेंबली का जो नट है ये मैं टाइट कर रहा हूँ, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करें क्योंकि अब हमें इसको टाइट करना है। क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो तकरीबन पूरा इसका सिस्टम देख लिया है कि किस तरीके से ये लगेगा और बहुत ही इजी है। मैं समझ रहा था थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इजी है और मैं इंशाल्लाह कर लूँगा आसानी से। सो ये वाला नट जो है वो टाइट हो गया, अब इसको मैं बाकी का काम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये इसका अंदर का ये एक सील टाइप है और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये जो है ये इसके जो हॉर्न का ये जो वायर आ रहा है ये मेल फीमेल का चक्कर है, ये इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और ये तारें इसके अंदर चली जाएंगी और ये जो है इसके नट अभी मैं टाइट करूँगा। ओके गाइस, तो ये जो है बेसिकली ये थोड़े से
टिपिकल हैं और हल्की वाले अगर आप इजीली एक दो लगा लें तो उसके बाद मुश्किल नहीं है। बेसिकली उन्होंने तकरीबन इसके साथ हल्की भी दी होती है जो बिल्कुल इसका फिक्स होती है और बहुत इजी है इसको मैनेज करना। इसका पहला नट आप उसकी जगह पे इसको फंसा लें ताकि बाकी को आप इसको आपको हैंडल करना इजी हो जाए। तो इसमें बाकी भी नट दिए हुए, अंदर की जो प्लेट है इसमें सिल्वर, उसको आपको उसकी जगह पे सेट करना पड़ता है ये, ताकि नट लग सके। थोड़ी सी आउट है तो बेसिकली गाइस, मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा था कि जब मैंने ये क्विक रिलीज लगाया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि ये क्विक रिलीज, ये स्टेयरिंग जो है ये बिल्कुल मेरी चेस्ट के बहुत क्लोज है। आई मीन अगर आप मेरा पोस्चर देखें तो आई एम लाइक सिटिंग लाइक दिस, तो यू नो एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए कि स्टेयरिंग इधर हो और मेरा हाथ ईजिली रोटेट कर सके। अच्छा, अगर मैं सीट को पीछे करता हूँ तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सीट को पीछे करने से मेरी लेग्स, मतलब मेरी टांगें जो हैं वो क्लच और ब्रेक तक पहुंचनी मुश्किल हो जाती हैं। तो जिस पोस्चर में, जिस जगह पे मैं कंफर्टेबल हूँ गियर लगाने के लिए और अपने एक्सीलेटर पे लाइक पैर यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे मेरा स्टेयरिंग आउट हो रहा था। अच्छा, जब मैंने क्विक रिलीज लगाया तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो खैर, फिर मैंने इस पर थोड़ी सी और स्टडी की तो पता चला कि ये जो क्विक रिलीज है, देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप मेरे ये कितना करीब है। तो अब मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, ये स्टेयरिंग मैंने अलग कर दिया और ये रहा स्टेयरिंग। तो अब फिर ये हुआ क्या कि ये जो इसका, अगर आप देखें, अगर मैं ये उतार के अगर आप ये देखें, ये जो इसका हब लगा हुआ है, ये पुराना मोमो का एक स्टेयरिंग इस पर लगा हुआ था, तो ये लॉन्ग नेक वाला हब है। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि NRG का जो मैंने क्विक रिलीज लगाया है, इसका जो है वो शॉर्ट नेक वाला भी हब आता है। तो फाइनली मैंने वो ऑर्डर किया और आज मैं उसको लगाने जा रहा हूँ, और उसको लगाने के बाद देखते हैं कि मुझे कैसा फील होता है। आई होप कि मुझे कंफर्टेबल फील होगा। मैंने इसी क्विक रिलीज और इसी एडजस्टमेंट के साथ अभी जो लास्ट ड्रिफ्ट बिल्ड एक प्रैक्टिस की थी तो वो इसी में की थी। वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने शॉर्ट हब ऑर्डर किया। तो फाइनली 15 दिन में मेरा शॉर्ट हब आ गया और अब मैं ये लगा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको लगाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसी तरह ड्रिफ्ट बिल्ड के अब मेरे और भी जो एपिसोड्स हैं, बेसिकली ड्रिफ्ट बिल्ड की जो पार्ट लगाऊंगा वो आती रहेंगी। और टिल देन अभी लगाता हूँ और आप लोग चेक करें, मैं भी चेक करता हूँ कि किस तरीके से मैं इस प्रोसीजर से गुजरता हूँ। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये इसकी इतनी लंबी, तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 इंच की नेक है, और अभी वाला हार्डली 1.5 इंच होगा ये, और अभी वाला ये आप देखो, ये वाला है प्रीवियस मोमो का जो लगा हुआ था, और अब NRG का हमारा ये वाला हब है। अगर आप देखो तो इसकी बिल्कुल नेक ऑलमोस्ट 1.5 इंच होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
गाइस फाइनली आई हैव डन विद माय क्विक रिलीज सेटअप और आप लोगों ने देखा कि कितने लॉन्ग प्रोसीजर से मैं गुजरा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए एक पार्ट को भी हमें ऑर्डर करना पड़ा लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इसको इसमें सीखने को मिली और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इसमें सीखने को मिला होगा कि कैसे क्विक रिलीज हमने इंस्टॉल किया किस तरह से उसमें शॉर्ट हमने ऑर्डर किया और वो लगाया उसके बाद हमारी प्लेसमेंट में काफ़ी बेहतरी आ गई लेकिन अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे इसमें मेरा जो स्टेयरिंग है वो डीप डिश है इन फ्यूचर मुझे वो चेंज करना पड़े बिकॉज अभी मैं इसको फिलहाल इसी तरह यूज़ करूँगा लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट आ चुकी है मेरी पोजीशन में पोस्चर में मेरी जब तक के बकेट सीट्स नहीं आती उसके बाद मैं रख के देखूंगा कि और अगर इसमें कोई कमी होगी तो हो सकता है मैं स्ट्रेट व्हील की तरफ चला जाऊँ स्ट्रेट जो बिल्कुल होता है स्टेयरिंग व्हील उसकी तरफ चला जाऊँ लेकिन मेरा ख्याल है सारे प्रोसीजर में आप लोगों ने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और हमारे साथ आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और कमेंट करें अगर कोई चीज़ समझ आई है कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट करें कोई भी सजेशन है हमें बताएं और सब्सक्राइब करें अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स क्योंकि ड्रिफ्ट बिल्ड के बहुत सारे व्लॉग्स अभी हमारे आने हैं जो क्यू में लगे हुए हैं काम हमारा जारी है डे बाई डे हम कोई ना कोई काम करते हैं और उस पर ड्रिफ्ट बिल्ड व्लॉग आता रहेगा मीनवाइल उनके बीच में जो दूसरे व्लॉग्स जिस तरह से हम कंटिन्यू रखते हैं वो भी आते रहेंगे तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग वो व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और कमेंट करें शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है और सब्सक्राइब करें टिल देन टेक केयर और अपना ख्याल रखें और अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह गुड बाय